हर सुबह जब आप अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं या कोई न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं तो उसमें देश के किसी न किसी हिस्से में हत्या की खबर ज़रूर आती है। यह अपराध कई बार गुस्से में होता है तो कई बार लूटपाट के चक्कर में, कुछ सिर्फ अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी ऐसा करते हैं। इस दुनिया ने कई सीरियल किलर भी देखे हैं। ये लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, लोगों की हत्या करने में इन्हें एक अजीब खुशी मिलती है और ये लगातार ये काम करते चले जाते हैं। यह दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती सिर्फ वही इस तरह के काम करते हैं, बल्कि अपने जीवन में कुछ सबसे सुखी लोग भी हत्यारे बन जाते हैं। आज हम आपको एक रूसी पुलिस वाले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने करीब 82 खून किए थे। हम बात कर रहे हैं मिखाइल पोपकोव की। यह एक पुलिस वाला था और पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए इसने कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। जब कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी मिखाइल से पूछा कि वह अब तक कितनी महिलाओं का शोषण और हत्या कर चुका है तो उसने बड़े आराम से कहा कि मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मैं इस बारे में कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। बाद में पता चला कि यह संख्या करीब 82 महिलाओं की थी और यह संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का मानना था कि यह संख्या करीब 200 से भी ऊपर थी। 53 साल का मिखाइल 2015 से ही 22 महिलाओं की हत्या करने के जुर्म में जेल में था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने करीब 60 और महिलाओं की हत्या की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पुलिस अधिकारी जो एक बहुत अच्छा पिता है वो इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। अगर मिखाइल पे ये आरोप साबित हो जाते तो वो दुनिया के सबसे बुरे हत्यारों में से एक होगा। मिखाइल किसी भी महिला का सिर्फ हत्या नहीं करता था बल्कि उनके शरीर को बुरी तरह छत प्रछत कर देता। जब महिलाओं की बॉडी मिलती तो उनमें से किसी का सिर नहीं होता तो किसी का दिल नहीं होता। पुलिस ने उन महिलाओं के शवों को देखा था तब उन्होंने दोषी मिखाइल को वेयरवोल्स करार दिया था, जो मानव के रूप में एक भेड़िया होता है। 53 वर्षीय सीरियल किलर मिखाइल करीब 2 दशक तक अपने ही होम टाउन में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। कोई उस पर शक भी नहीं करता क्योंकि वह खुद एक पुलिसकर्मी था। मिखाइल नाइट क्लब के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करता, उसके निशाने पर अकेली महिलाएं होती थी। उनकी मदद करने के बहाने वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता और फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर मार देता। उसने अपनी ही बेटी की टीचर की भी हत्या कर दी और उसके बाद उसके अंत्येष्टि के लिए जुटाए जा रहे पैसे में योगदान भी दिया। जब पुलिस वालों ने पूछा कि उसने किन वजहों से ऐसा काम करना शुरू किया तो मिखाइल ने कहा, मैंने शहर से गंदगी का सफाया किया, इन महिलाओं को उनके अनैतिक व्यवहार के लिए सजा मिली और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। BBC के मुताबिक मिखाइल का शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन इसके अलावा भी उसने एक शख्स और एक पुलिसकर्मी का भी मर्डर किया था। जब मिखाइल की बेटी और पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मिखाइल की बेटी का कहना था कि वो एक बहुत अच्छे पिता थे। मिखाइल के साथी पुलिस ऑफिसर भी यही मानते थे। उनका कहना था कि मिखाइल एक बेहद ही हंसमुख व्यक्ति था जो किसी भी पार्टी में जान बन जाता था। उसके पास चुटकुलों का भंडार हुआ करता था। अपने कार्यकाल के दौरान भी उसने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। वो सारे ही मेंटल असेसमेंट पास कर लेता था और अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर था। उसके पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक ऐसी घटना हुई थी जिससे लोगों को दिक्कत हो सकती थी। उसने एक बार ड्यूटी के दौरान एक रेपिस्ट को गोली मार दी। इस घटना की जांच भी हुई और मिखाइल को कोई सजा नहीं मिली। मिखाइल कहता था कि मैंने खुद को कभी बीमार महसूस नहीं किया। जब उसने पहली बार किसी महिला को मारा तो उसके मन में बस एक ख्याल था कि जिस महिला को वो लिफ्ट दे रहा है उसे बस उसे मार देना है। हत्या करने के लिए वह किसी भी चीज़ का प्रयोग कर लेता था। वो बताता है कि उसे कार में जो भी मिलता उससे वह जुर्म को अंजाम दे देता। मिखाइल का कहना था कि वह हत्या करने के लिए कभी भी पहले से तैयारी नहीं करता था। 1998 में एक बार मिखाइल लगभग पकड़ा जा चुका था जब उसके चंगुल से छूटी एक लड़की ने उसे पहचान लिया, लेकिन पुलिस ने कभी भी उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए। पुलिस का मानना है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। जाहिर है ये महिलाएं इतनी आसानी से मिखाइल की बातों में इसलिए आ जाती थी क्योंकि वह हमेशा ही पुलिस की वर्दी में होता था। भला कौन सोच सकता है कि कोई पुलिस वाला मदद करने के बजाय उनकी हत्या कर देगा। इस घटना ने पूरे रूस को आश्चर्यचकित कर दिया। पुलिस ने मिखाइल को एक मृतक के पास मिले उसकी गाड़ी के टायर के निशान के जरिए पहचाना था। इसके बाद मिखाइल का DNA टेस्ट कराया गया और इससे पता चला कि वही उस महिला का हत्यारा था। इसी के बाद धीरे धीरे और खुलासे हुए कि उसने 200 से ज़्यादा महिलाओं की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए।
अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।